आज आपको बताना चाहता हूँ विरार पश्चिम स्टेशन से सटे जैन मंदिर रोड की क्या दुर्दशा है। आप खुला देख रहे हैं कि नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, पर उसके नीचे सैकड़ों की संख्या में टू व्हीलर अवैध पार्किंग की हुई है। अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे एंड पार्क की सुविधा है, फिर भी लोग यहाँ अवैध पार्किंग करके पूरे ट्रैफिक को अवरुद्ध करते हैं। आइए जानते हैं वहाँ के निवासियों से उनकी क्या तकलीफ है। आपका स्वागत है वसई विरार समाचार में। थैंक यू सर। ये आप इस ट्रैफिक की समस्या, आप यहाँ के निवासी हैं, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है आपको? ये सवेरे 7 बजे से लेकर या समझो 6 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक ये ट्रैफिक चलते रहता है। यहाँ से कॉलेज का भी रोड है। रिक्शे अगर रिक्शे वाले दोनों आमने सामने आ जाए या प्राइवेट गाड़ी अगर आमने सामने आ जाए तो यहाँ पे घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। आजू बाजू वाले जितने भी दुकानदार हैं, रहवासी हैं, सारे के सारे परेशान हैं, कोई बाहर आ नहीं सकता। यहाँ पे हमारे नज़दीक में प्राची सोसाइटी है, वहाँ पे लाइट बिल की भी लाइन लगी रहती है। वहाँ भी लोग बिल भरने आते हैं, इतना जाम होता है। बाजू में बड़ा जैन मंदिर है, उसके लिए भी जाया जाए। अभी आप देख लीजिए, आपके सामने ही है, खाली नज़र मार के देख लीजिए, ये इस तरह से जाम होता है हर वक्त 24 घंटों ये जाम रहता है। बीच में मैंने नगर पालिका वाले सदस्यों को भी कहा था कि भैया इसका कुछ करो, उन्होंने हाथ ऊँचे कर दिए। हमेशा बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए अब ये रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। आपने लिखित शिकायत की थी क्या, मौखिक शिकायत? मौखिक की थी, वो यहीं पे थे, ये श्रेया होटल के बाहर ही मिले मुझे। वो बाहर नगर पालिका की गाड़ी के साथ आए और जो बीच में बैठे रहते हैं उनको उठाने के आए। मैं बोला भैया आप यहाँ का देखिए आप कुछ, तो उन्होंने हाथ ऊँचे कर दिए थे, बस इतनी बात है। आप देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से हमारी पर वहाँ पार्किंग की सुविधा है, पे एंड पार्क की सुविधा, पर वहाँ पर भी लोग वहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क नहीं करके इस जगह पर पार्क करके सभी लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लावे। धन्यवाद दिलीप कांवरिया। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी आप समस्या हो हमसे संपर्क करके हमारे माध्यम से आप अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। धन्यवाद।